السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. ये देखिए मोमबत्ती लगा रखे हैं सहाबे में, ये देखिए, ये हमारे नित्तुर भाई मोमबत्ती लगा रहे हैं। ये देखिए कवर है, कैसे इसको फूल और सब चीजों से सजाया है। कब्रों को दोबारा ताजा किया गया पाट के, ये देखिए सभी कब्रों को नया बनाया गया है मिट्टी डाल के। हाँ ये डढ़ेला का एक बंदा आया था पाटने के लिए। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा लाइटों की तरह, ये सहाबा का दीवाले, ये देखिए क्या हसीन, ये देखिए क्या लग रहा है, माशाल्लाह सवे रात की दिन हमेशा आती रहे। जो हमारे बुजुर्गाने दीन के जो कब्रे हैं उन पे फातिया कर रहे हैं, ये देखिए हमारे मोनिस भाई हैं दूसरे की कब्र पे जा रहे हैं फातिया करने के लिए। हाँ ये देखिए अल्लाह ताला इनको जन्नत अता फरमाए। Thank you.
हमारे शहजादे वही हैं जिन्होंने, किसकी कब्र पे तुमने, नाना की, तुम्हारे नाना की कब्र है। ठीक, तो आपको ये रात कैसी लग रही है? तो ये हमारे शहजादे भाई हैं जिन्होंने अभी एक कब्र पे फातिहा पढ़ा। हमारे नित्तुर भाई का नजारा कुछ और। आजाद सिंह बड़ा बाजार, शबाब भाई भी है। ये देखिए मोमबत्ती लगा रहे हैं, ये देखिए, हाँ ये देखिए, पूरा लतपत हो रहे हैं। ये बोल रहे हैं मैं शबे रात की दिन बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी लगी, ऐसा सहाबा इकराम सजा हुआ है कि हमें बहुत मजा आ रहा। ये हैं हमारे नवाज अली भाई जिन्होंने ये सजाया, ये देखिए। हाँ ये हमारे दानिश भाई भी है। दानिश भाई तुम्हें ये रात कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये रात तुम हमेशा चाहोगे? हमेशा चाहूंगा। आप कुछ, क्योंकि ये मुसलमान लोग जितने हैं मुसलमान भाई लोग, तो वो सुन ले थोड़ा कि मतलब अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करना। आप लोग ये देख रहे हैं जैसा ये सजाया गया है, तो इसमें किस किस लोगों का हाथ है? अरे बहुत हमारे भाई लोग हैं, जैसे मेरा मोनिस भाई हुआ, राधे भैया भाई और गोलू भाई भाई, नवाज अली भाई और आदिल भाई, अरे तमाम शहजादे भाई, सोमू भाई और आपका आयाज भाई। तो सब लोगों ने ये सोचा कि हम सवे रात को सहाबे इकराम को सजाएंगे? हाँ सब लोगों ने, ज्यादातर मेरे चचा ने, ये देखिए, ये क्या नाम है इनका? नान बाबा नाम है, चांद, चांद नाम है। ये हमारे चांद अच्छा है, ये देखिए, ये जो जगमगाहट दिख रही है, ये जो भी बंदों के नाम गिनाए गए हैं वो उन्हीं बंदों की ये जगमगाहट है जो हसना गांव में तो आपको देखने को मिल रही है। सहाबा इकराम को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है सवे रात के दिन। जिंदगी रही तो इससे अच्छा भी होगा। हाँ कुछ बोल रहे हैं, हाँ जी बताइए क्या कहना चाहिए। जिंदगी रही तो इससे अच्छा भी अगले साल करा सकते। हाँ तो आप लोगों ने देखा कि इससे अच्छा ये करवाने की सोच रहे हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है। आप लोगों को अगर उजाला होता पूरा तो मैं अच्छी तरीके से दिखा पाता कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो अंधेरे में कुछ ज्यादा ही बेटर है। तो ये देखिए आप लोगों को नजारा कुछ बहुत ही बढ़िया दिख रहा होगा। काफी सारे बंदे हैं पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, अंधेरा बहुत है, दीप फ्लैश की लाइट है उतना ही दिखेगा। ये देखिए हमारे राधे भाई हैं, दुआ मांग रहे हैं। ये देखिए हमारे नित्तुर भाई उनके बाद से निकलते हुए। जहाँ तक मेरे को पता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस जिसकी मुरादें हैं सबकी मुरादें कबूल करेगा, जिस जिसके गुनाह हैं सबके गुनाह सुना जाएंगे, और आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा मेहरबान होता अपने बंदों पर। अल्लाह आप देख सकते हैं आज सवे रात का दिन है, जो देखिए सहाबे इकराम का नज़ारा है। हम लोग सहाबों को इस तरह से सजाते हैं, हमारे बहुत से भाई लोग पूरे सहाबे को मोमबत्ती लगा के ऐसे सजाते हैं। आगे चल के आपको दिखाना चाहूँगा कैसे लगा रहे मेरे भाई लोग मोमबत्ती। ये देखिए ये हवा की वजह से मोमबत्तियों में भी जान नहीं है। ये देखिए आगे आगे लगाते हुए हमारे भाई लोग चल रहे हैं, काफ़ी लोग हमारे सहाबे में हैं। सहाबे में लोग बाग अपने अपने जो बुजुर्गाने दीन हैं उनके ऊपर फातिहा करवा रहे हैं। ये देखिए ये हमारे दानिश भाई हैं, ये मोमबत्ती को आग लगाते हैं, जो मोमबत्ती है हमारे आदिल भाई हैं। आदिल भाई अपना चेहरा दिखाओ। हाँ एक जरूरी कार्य से जा रहे हैं आदिल भाई। हमारे गोलू भाई ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है हमारे हिंदुस्तान का। ये हमारे गोलू भाई हैं जो हमारे सहयोग कर रहे हैं सहाबे में मोमबत्ती लगाने के साथ। ये देखिए मोमबत्ती दिखा रहे हैं, ये दानिश भाई आग लगाते हैं,
Let's go!